भाई बाहर का व्यू देखे आप कितना खतरनाक हो रखा है, मस्त वाला एकदम। भाई ये ट्रक वाले भाई की हिम्मत है, ये पता नहीं कैसे चला पा रहे, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है, सबने गाड़ी रोकी हुई है। भाई बाहर तूफान आ रखा है अच्छे वाला। जो भी जानवर था इसमें शेल्बी बता रही है, जो फीमेल है वो अपने मेल पार्टनर को मार ही देती है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लेट्स सक आउट एवरीथिंग फ्रॉम शेल्बी। ओके भाई मजाक कर रहे हैं यार, बाकी हम तुईचंग पहुंच गए ना। हाँ तुईचंग। ये है एक शानदार सा ब्रिज, ये रोड की कटिंग चल रही है, इस चक्कर में रोड को वाइड करने के लिए ना काम चल रहा है। तो शैल वी फोन निकाल के, ओ ये दे आर कटिंग डाउन अ ट्री। यस आई मीन नॉर्मली या यू सी द डर्ट, यू डोंट सी देम एक्चुअली चॉपिंग डाउन नेचर। सो एवरीथिंग इज नाउ इज ऑफिशियली एन अर्थ मूवर। You understand, like earlier there was tree everywhere. Yes, I realized this was not a barren place, a desert of dust. I can look around and see there were probably trees here. Then why you thought they will like leave the trees just like it? It's something you do in the middle of the night so no one can see. Why? Because that's, you hear the cracking, it's like your bones are cracking. Mother Earth's bones are cracking. Mothers don't care about the trees, mothers don't care. Mothers don't care about their kids. We are not kids. अभी भाई रास्ते में ना दो बंदे आए सुमो वाले, पता नहीं मेरा सुमो वाले ड्राइवर्स के साथ ना इतना हमेशा है ना बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा, खास करके छोड़ के अरुणाचल में मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सुमो वालों के साथ। छोड़ के जब मैं उधर से दापोरिजो से आ रहा था, और यहाँ पे भी दो सुमो वाले, मैं हंस के मगर कोई नहीं, मैं रोड पे हूँ, जगह उनको लिटरली मैंने दे रखे थे, वो बेफालतू में अकड़ दिखा रहे। मैं मकड़ मेरे सामने मत दिखाओ भाई तुम बेफालतू में। भाई बाहर मस्त तूफान आ रखा है। ओके मैन शैल बी लुक, भाई तगड़ा तूफान आ गया है, गाड़ी तो हिल नहीं रही। गुड डे टू फ्लाई कोई। भाई क्या ही आ रहा है ये, नॉर्थ ईस्ट में बारिश के टाइम बड़ा डर लगता है भाई, कब लैंडस्लाइड हो जाए कुछ नहीं पता। ओ मैन भाई खतरनाक के जा रही है। ये भाई लुंगलई सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ मिजोरम, सही है ना, सबसे दूसरे बड़ी सिटी यही है ना लुंगलई। हाँ हाँ आइजोल के बाद। हाँ भाई लुंगलई पहुंच चुके हैं, और अब आगे जाके थोड़ा बारिश अच्छी खासी आ रही थी, लेकिन फिर भी सारी जो डस्ट है ना उतर नहीं पाई, पता नहीं अभी कब तक उतरेगी, देखते हैं जो भी होता है। बाकी पहुंच गए लुंगलई, अभी जो अपने कृपा भाई और वो भाई सब दोनों उतरने वाले हैं। थैंक यू यार भाई, थैंक यू, बाय बाय यार, बाय बाय, थैंक यू कृपा यार। मन नहीं कर रहा, क्या हुआ, सब चेक कर लिया, चलो ठीक है, थैंक यू यार भाई। भाई लुंगलई के अंदर मस्त सा माहौल हो रखा है अभी, बस बाहर लुंगलई का व्यू देखिए। अभी जो किरबा भाई थे और निगरे भाई थे उनको, उन दोनों को हमने छोड़ दिया है, और जो हमारी आगे की जर्नी है वो कंटिन्यू चल रही है। यहाँ रोक के मैंने अभी लुंगलई के ड्रोन छोड़ लिए भाई, खतरनाक आती है ये शहर, मेरे को बड़ा प्यारा लगता है, बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत ब्यूटीफुल। यू लाइक द सिटी इवन दो यू डिडंट सी एनीथिंग, बट द व्यू, द व्यूज आर फैंटास्टिक, द व्यूज आर गुड, या कांट कमेंट ऑन द सिटी इटसेल्फ बट इट्स वेरी प्रीटी।
भाई बाहर का व्यू देखे आप, कितना खतरनाक हो रखा है, मस्त वाला एकदम। मैं खुश हो गया हूँ कि शेल्बी ने ना लगभग इस ट्रिप में जो जो चीजें मुझे दिखानी थी ना अपनी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, लगभग चीजें दिखा दी हैं। व्यूज और नॉर्थ ईस्ट का बारिश के टाइम पे कैसा मौसम रहता है वो आज देख लिया हमने। बारिश मस्त आई और अब बारिश बंद भी हो गई है और जो बादल वादल वो सब नीचे आ रखी है। देखिए नॉर्थ ईस्ट का ये वाला एक मंजर बड़ा प्यारा है यार, कि बारिश के बाद जब जो बादल नीचे आते हैं बीच में से नदियाँ वदियाँ और इस टाइप के ब्रिज हैं, ये बड़े प्यारे लगते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की ये मान लीजिए यार ज़्यादा लंबी ट्रिप थी नहीं, 4 दिन और एक्स्ट्रा खींचती अगर शेल्बी के पैर में चोट नहीं लगती ना तो हम आगे एकदम अपने एकदम एक्सट्रीम एंड तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यार अब चोट लगी तो क्या ही कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक शेल्बी हियर लाइक दिस प्लेस यार? From my one vantage point, from what I see, I like it. The swelling is better than yesterday. Certainly better than yesterday. I can almost fit it in the shoe now. So let's go back then and let's continue again. Yeah, why not? Let's go to the last. This means I can go to Bangladesh. भाई यहाँ पे ना इमली मस्त मिलती है और ये इमली शेल्बी को मैं पिछले पता नहीं कितने दिनों से इमली खिला रहा हूँ। You know what is called in Hindi? इमली. No, you will not find it here. What do you call it in English? Tamarind. Too many syllables. It's hard for me to pronounce. Is your name hard to pronounce? No, not for me. I'm pronouncing it from... It has multiple syllables as well. Just Deepanshu. Just... Deepanshu. Anshu. Tamarind. 2 syllables. No, I'm talking about the R sound. Tamarind. Tamarind. So don't pronounce it properly, yeah? I do. Well, you don't pronounce R properly, you just eat it. I think this is a new thing where you just told me no matter what language I'm speaking, I'm pronouncing the word wrong. I'm telling you everything, yeah? You don't hold back, no filter. It's good, why should we have filter, DD? Well, I prefer a filter for some of my water, depending on the country. तो यहाँ पे भाई एक छोटा सा मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे लोकल जो आंटी और दीदी है वो सब यहाँ पे छोटा छोटा सामान बेच रही है, सब्जी वब्जी। मौसम बड़ा सेक्सी सा हो रखा है इधर, बारिश अच्छी खासी आई थी और बारिश आने के कारण तूफान भी अच्छा खासा आया था और उस तूफान का जो असर है ना हमें रोड के ऊपर भी दिख ही रहा था, पेड़ों के ना टूट वाट के अच्छा खासा गिरा हुआ था। तो ये इमली इमली हमने ले ली, हमने चाय पी ली और हम डायरेक्ट शायद आइजोल में स्टॉप करेंगे। ये भाई कर लिया ब्रिज क्रॉस। भाई ऐसा माहौल हो रखा है बाहर, आप देख ही सकते हो, मस्त वाला। भाई अभी रिसेंट यहीं पे लैंडस्लाइड हुई है। गो बैक। थैंक यू सर। कलो में जाएगा Thank you. All right, watch out for landslides. By रास्ते में हमें मिल गई एक जगह तो landslide. So that's the bad thing about Northeast. You can't have all the good, Shelby. There's always pros and cons. Yeah. So that's the only thing about Northeast I'm really afraid. The landslides. भाई बाहर आ रखी है धुंध और ये जो गाड़ी में व्हाइट लाइट है ना, आजकल पता नहीं यार बहुत सारे गाड़ी वाले व्हाइट लाइट देने लग गए और ये फोग में ढंग से काम करती हैं नहीं। भाई थिंजोल करके एक जगह है वहां पहुंच चुके हैं। भाई कुछ दिख ही नहीं रहा यार। I will go behind him now. Let him take the risk. Oh man. Shelby, what happened to visibility? In the middle of the road, jeez. At least get on the side. Yeah, and they are waiting for something. They're waiting to get hit. Like they're also coming back. See? भाई ये ट्रक वाले भाई की हिम्मत है, ये पता नहीं कैसे चला पा रहे, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है, सबने गाड़ी रोकी हुई है। भाई ये बंदा भाई चलाए जा रहा है, हम मुझे सच में आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था और ये गाड़ी जो पीछे मारुति वाला भाई थी इसने भी गाड़ी रोक दी थी।
भाई ये ट्रक भी ढंग से नहीं दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ इतनी ज्यादा ये धुंध आ रखी है भाई। मेरे को क्या हुआ, मेरे को लग रहा था डर, मैं बोला भाई ट्रक वाले भाई को आगे जाने देते हैं, अब इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ मैं। बादल आप देख ही सकते हो किस तरीके से आ गए हैं, बाहर माहौल देख रहे हो भाई कितनी धुंधम धुंध, एकदम नेक्स्ट लेवल हो रखी है। गाड़ी ड्राइव करने मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। तो बाकी सभी गाड़ियों के पास है ना येलो लाइट है, लेकिन मेरे पास है भाई व्हाइट वाली अपनी गाड़ी में। और जब भी आपके पास व्हाइट लाइट होती है ना तो आपकी विजिबिलिटी ऐसे मर जाती है कि क्या ही बताऊं। Do you want to say anything about this? Snack pack, road snacks, very Not... nutritious. You went from let's get oranges to let's get processed products. भाई ये बादल कब जाएंगे? भाई हमारी किस्मत अच्छी थी, ये टूरिस्ट लॉज हमें खुला मिल गया। इसी टूरिस्ट लॉज में हफ्ते पहले रुका था। ये मिजोरम टूरिज्म की जो टूरिस्ट लॉज है ना, ये बेस्ट है। ओह वाओ, भाई बाहर तूफान आ रखा है अच्छे वाला, पेड़ इधर से उधर हो रहे, बिजली कड़क रही थी, रात को ऐसी तगड़ी नींद आ रही थी, बहुत लेट हो गए थे हम पहुंचते आइजोल के टूरिस्ट लॉज में। गुड मॉर्निंग शेल्बी, हाउज योर लेग? बस भाई अभी निकल रहे हैं यहाँ से, कल रात को पहुंच गए थे। भाई रात को आपने देखा ही होगा तगड़ी बिजली कड़कने की आवाज आ रही है, थंडर क्लैप बोलते हैं ना शायद बिजली कड़कने को, और लाइटनिंग दिख रही थी पूरी, जैसे सुबह ही हो गई हो, पूरी रात बारिश हुई। हाउ वाज द लाइट लास्ट नाइट? Woke us both up at like 4:30 in the morning. No, it's 4:00 in the morning. Doodum dum. I've never heard. You recorded, yeah? Yeah, sometimes you hear like one loud lightning. This was just like constant, a symphony of thunder and lightning. Yeah, obviously, lightning. Thunder, lightning, and the thunder. Oh, see. You know this one? This thing? Oh, yeah. No, they can bite you, I think. No, they can. They can. They bite the heads, the girls bite the heads off their husbands. And that's why they die? Yeah, they kill them. They're like, you're no longer needed, you helped me reproduce, you can die now. That's it. लड़कियां भाई हर जगह पर अत्याचार करती है, एटलीस्ट इंसानों में मारती तो नहीं है। ये जो भी जानवर था इसमें शेल्बी बता रही है, जो फीमेल है वो अपने मेल पार्टनर को मार ही देती है कि ना यू आर नो लॉन्गर नीडेड, लेट्स किल यू। तो बस भाई अभी यहाँ से निकलेंगे हम, आज हमारा प्लान है गुवाहाटी पहुँचने का, क्योंकि टाइम लंबा ही दिखा रहा है यहाँ से। कल हम तलाबुंग से यहाँ तक पहुँचे रात को 11, एट व्हाट टाइम रीच? वी विल रीच 11 या और 10:30? 10:30, 11. I wanted to edit that video thing and I couldn't do anything. I left the lights on for that reason. I was like, he said he wanted to work. I'm going to sleep. And I didn't wake up, yeah. You woke up, immediately turned the lights off and went back to sleep. तो ये है भाई मिजोरम गवर्नमेंट का टूरिस्ट लॉज। मैंने काफ़ी वीडियो में इस चीज़ की तारीफ कर दी है, इवन आई थिंक इस वीडियो के स्टार्टिंग में जब हम तलाबुंग का जो टूरिस्ट लॉज था वहाँ से जब निकल रहे थे, मिजोरम गवर्नमेंट ने एक चीज़ बहुत अच्छी कर रखी है कि हर सिटीज़ और हर जगह पर अगर आप मिजोरम में आते हो और आइजोल में लैंड करते हो, जिस एयरपोर्ट पर आप लैंड करोगे उस एयरपोर्ट का नाम है लेंगपुई एयरपोर्ट। लेंगपुई एयरपोर्ट यहाँ से बिल्कुल पास में है और उसके पास में ही आपको ये मिलेगा टूरिस्ट रिजोर्ट लेंगपुई। यहाँ पर अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो आपको पड़ेगा वो 600 रुपये का, और अगर आप यहाँ पर डबल रूम लेते हो जिसमें डबल बेड है, जो हमने मैंने और शेल्बी ने ले रखा था, उसके लिए हमने पे किया 1000 रुपीज। यहाँ पे नीचे किचन भी है, सब कुछ है, और ये देखिए भाई टूरिस्ट रिजोर्ट लेंगपुई। सुबह सुबह हमने यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लिया, 8 बज गए यार, करते करते लेट हो ही जाते हैं। थैंक यू, हेलो मम्मी, से हेलो, थैंक यू, बाय बाय। बट समहाउ इट इज इंडिया एंड इट्स आवर इनक्रेडिबल इंडिया। यस्टरडे आई टीच यू वन थिंग, Incredible. No. India. Incredible India. Basically, incredible India. It's a feeling. India. I'm coming to my incredible India. Well, it's not mine. Yeah, it is incredible. It is incredible. That I'll agree with. Yeah. But yeah. It's your India also. It's like, mine now that I have a piece of it.
Yeah, you have a piece of India. I got a tattoo from India. Yeah, yeah. Shelby कह रही है कि इसको इंडिया से परमानेंट टैटू मिल गया क्योंकि अब जो इसको वो बैम्बू अंदर गया था उसके कारण जो चोट लगी है शेल्बी को उसका स्कार तो पक्का ही आएगा, वो निशान रहता ना वो रहेगा ही रहेगा। चलो भाई अब हम अपनी जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं।